1997 दीक्षांत समारोह के अवसर पे उसके एक दिन पूर्व आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका सबका स्वागत करता हूँ। और जैसे पूसा संस्थान आप सबको मालूम है 1905 में स्थापित हुआ था, पूसा जो बिहार में स्थित है, 1936 में यहाँ पे स्थानांतरित हुआ दिल्ली में, क्योंकि वहाँ भूकंप आया और फिर उस समय की सरकार ने उचित समझा कि इसको दिल्ली लाया जाए और दिल्ली में स्थापित कर उसकी जो भी गतिविधियाँ शिक्षा शोध और प्रसार से है उसको आगे बढ़ाई जाए। पूसा अपने आप में एक यूनिक संस्थान है और भारतवर्ष में जितने भी कृषि के संस्थान हैं उसमें प्रथम स्थान पर आता है। बहुत सारे जो ग्रेडिंग्स हैं जो कि ICAR ने भी की हुई है और जो बाह्य संस्थानों ने भी की है, वहाँ पर हमारा स्थान नंबर एक का है। यहाँ जो छात्र यहाँ से पास आउट होते हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे बड़े ऊंचे स्थानों पर पदास्थित हैं। और जो पिछले साल हमने जो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज जो ऑल इंडिया टेस्ट ICAR कराता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड से, उसमें 80 छात्र यहीं से पास आउट हुए और कुल 137 का चयन होना था, उसमें 80 लोगों ने यहीं से क्वालिफाई किया ऑल इंडिया एग्जामिनेशंस को। पूरे देश के छात्रों की इच्छा रहती है कि कृषि के जो भी छात्र हैं कि उनको एडमिशन IRI में मिले। एडमिशंस भी बड़े आप कहेंगे ऊंचे मानकों पर निर्धारित है, जिससे कि छात्रों की संख्या आप देखेंगे कि ज़्यादा हम लेते नहीं, कुल छात्रों की कैपेसिटी पूरे कैंपस में 1000 की है, ज़्यादा की है नहीं। और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए ये संस्थान जाना जाता है। रिसर्च का जहाँ तक फ्रंट है, रिसर्च में भी आप देखेंगे कि यहाँ का जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी संस्थान से कम नहीं है। और यहाँ की दो जो मेगा वैरायटीज हैं जिसकी बार बार हम चर्चा करते हैं, एक जो HD2967 गेहूँ की प्रजाति है वो लगभग आधे क्षेत्र में पूरे देश में उगाई जाती है, 10 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में। और जो कुल गेहूं का उत्पादन देश में लगभग 97-98 मिलियन होता है, उसका आधा उत्पादन केवल एक वैरायटी से IRI की वैरायटी से आता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान इस संस्थान का है वो बासमती राइस में है। बासमती धान का पूरा क्षेत्रफल जो देश में है वो यहाँ की प्रजातियों से लगभग 95-96% आच्छादित है, हमारे यहाँ की प्रजातियाँ। और पूसा की एक जो वैरायटी है पूसा बासमती 1121, वो लगभग 17 से 18 हज़ार करोड़ रुपया सालाना आमदनी जो फॉरेन एक्सचेंज का है वो अपने देश में आता है, जो हम निर्यात करते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कितना भारी कंट्रीब्यूशन केवल दो प्रजातियों का है। और यदि पूरे गेहूं की प्रजातियां हैं उनको जोड़ करके आप देखें और धान की जो पूरी प्रजातियां उनको जोड़ करके देखें तो योगदान कई गुना है। यदि फलों की बात करें तो यहाँ की आम्रपाली प्रजाति जो कि बौनी किस्म है आम की, और एक नीलम, दो प्रजातियाँ हैं, ये पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में आप फैली हुई हैं। और इवन आम्रपाली किचन गार्डनिंग के लिए बड़ा लोकप्रिय प्रजाति है और एकमात्र प्रजाति है आज की तारीख में। और ट्राइबल के इलाके हैं वहाँ पर भी जीविका के लिए तमाम लोगों ने उगाया है, पहाड़ों पर जहाँ पर कोई और फसल नहीं होती है, ऊँचे नीचे टेरेन पर भी आप देखेंगे उड़ीसा के, वहाँ पर ये प्रजाति बहुतायत रूप में उगाई जाती है। इसी तरह से सरसों के क्षेत्र में भी यदि जो ब्रीडर सीड प्रोडक्शन का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं तो मुझे जो आंकड़े बताए जाते हैं लगभग 50% क्षेत्रफल हमारे प्रजातियों से आच्छादित है। अन्य जो सब्जियाँ हैं हमारी, जो और जो टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे NRM की टेक्नोलॉजीज हों, एग्रोनॉमी की टेक्नोलॉजीज हैं, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल जो हमारे डिवीज़न ऑफ एग्रोनॉमी ने डेवलप किया है 1 हेक्टेयर में, इसी कैंपस पर है। और ये हम दिखाने का प्रयास किए हैं कि बार बार जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात होती है और जब आमदनी भी किसानों की 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है राष्ट्रीय स्तर पर यदि आप औसत देखते हैं, तो 1 हेक्टेयर के मॉडल से यहाँ पर हमने सिद्ध किया है कि 370,000 करीब रुपये आमदनी प्रतिवर्ष पाया जा सकता है। तो ये मॉडल जो हमारे हैं ऐसे मॉडल हैं जो कि आप ले करके जा करके पूरे
देश में हम जाते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ जो एक्सटेंशन का एक बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है कि ये संस्थान एक्सटेंशन के नए नए मॉडल लेकर के आया है। संस्थान का एक जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ समझौता है और पूरे देश में जो यहाँ की प्रजातियाँ हैं वो टेस्ट होती हैं, जो भारत सरकार का जो अपना सिस्टम है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट का, तो वो तो है ही है, लेकिन इसके अलावे इन्होंने दो, एक तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पार्टनरशिप का रखा हुआ है और एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से। तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर के जो हमारी लेटेस्ट वैरायटीज हैं उनके छोटे छोटे सीड के पैकेट्स, प्लांटिंग मटेरियल्स और इवन जो आपके बायोफर्टिलाइजर्स हैं और जो इनपुट्स हैं जो वेजिटेबल्स के सीड्स हैं जो छोटे पैकेट्स में जा सकते हैं, उनको पूरे देश के जो हमारे एनजीओज हैं जो कि पायनियर हैं और जो एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ भी मिलकर के हम टेक्नोलॉजीज को आगे लेकर के जाते हैं। हमने मेरा गांव मेरा गौरव का जो योजना भारत सरकार के जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने शुरू किया और जो हमारा एक्सटेंशन डिवीजन ICAR से देखता है, उसके तहत इस संस्थान ने सबसे अधिक काम किया है। और जो NCR के 604 गांव हैं उन गांव में इस संस्थान के वैज्ञानिक जाते हैं। एक वैज्ञानिकों की टीम में 4 वैज्ञानिक होते हैं जो विभिन्न विषयों के होते हैं और जाकर के टेक्नोलॉजीज को सीधे किसानों से वार्तालाप के द्वारा टेक्नोलॉजीज को पहुंचाते हैं। जब मैं आपसे कहता हूं कि हमारी प्रजाति 50% एरिया में फैली हुई है गेहूं की, तो ये सब तरीके हैं जिसके वजह से टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से पहुंचती है। अभी जो कन्वोकेशन का हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें 94 PhD स्टूडेंट्स को हम डिग्री देंगे और 145 MSc के स्टूडेंट होंगे जिनको डिग्री दी जाएगी। माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी इसके मुख्य अतिथि होंगे और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो कि माननीय कृषि राज्य मंत्री हैं वो विशिष्ट अतिथि होंगे। हमारे सेक्रेटरी डेयर एंड डीजी ICAR डॉक्टर महापात्रा जी होंगे और देश के कोने कोने से जो हमारे तमाम वैज्ञानिक हैं जो हमसे एसोसिएटेड हैं, आप पाएंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़े हुए डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी, डायरेक्टर संस्थानों में हैं, DDG भी हैं, उनका भी यहाँ पर आगमन होगा और कुछ चुने हुए किसान भी होंगे और जो हमारे छात्र होंगे तो होंगे ही, उनके परिवार भी होंगे छात्रों के, क्योंकि जब डिग्री मिलती है तो उनके परिवार के लोग भी रहते हैं। इस बीच जो 4 तारीख को हमने कन्वोकेशन का कार्यक्रम, ये भी बड़ा अनूठा है IRI का, ये और कहीं नहीं होता है। कन्वोकेशन एक दिन का फंक्शन सभी विश्वविद्यालय में होता है, लेकिन IRI जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसका कन्वोकेशन 5 दिनों का होता है। वीक लॉन्ग प्रोग्राम चलते हैं। एक दिन जो हमने कार्यक्रम किया उसमें 37 छात्र जो विभिन्न डिवीजन से चयनित थे, जो उनकी पहचान की गई थी कि अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो आए और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चेयरमैन थे जिस कमेटी के, जिसमें 4-5 और वैज्ञानिक नामी थे राष्ट्रीय स्तर के, 37 छात्रों ने दिन भर अपना प्रेजेंटेशन किया और उसमें MSc के लेवल पर एक बेस्ट जो स्टूडेंट डिक्लेयर हुआ वो, और जो PhD के लेवल पर एक बेस्ट स्टूडेंट डिक्लेयर हुआ अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स के आधार पर एवं जो प्रेजेंटेशन उन्होंने किया BP Paul मेमोरियल हॉल में। तो ये चयन प्रक्रिया बड़ी कठिन थी, छात्रों ने भी बड़ा परिश्रम करके, और मुझे तो पूरे दिन बैठने का सौभाग्य मिला, आप लोग उसमें नहीं थे। किसी भी मामले में किसी प्रोफेसर से कम उनका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं था, किसी भी मामले में, चाहे उसमें कंटेंट हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो या क्वालिटी ऑफ स्लाइड्स हो, इट वॉज वंडरफुल। तो वो जो ट्रेनिंग यहाँ के टीचर्स देते हैं, यहाँ के जो भी रिसर्चर्स हैं, क्योंकि यूनिक इंस्टीट्यूशन इसलिए भी है कि केवल ये टीचिंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ के जो भी साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च में भी उतने इन्वॉल्व हैं, फार्मर से भी उतने ही जुड़े हुए हैं और इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज कमर्शलाइज भी ये करते हैं। जैसे हमने एक सॉयल टेस्ट मीटर बनाया है STFR, जो सॉयल टेस्टिंग, मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब के रूप में जाना जाता है, जो 12 पैरामीटर से शायद 14 पैरामीटर की टेस्टिंग कर सकता है, तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की और जो भी pH और EC वैल्यूज हैं, उसको हमने कमर्शलाइज किया और 10 कंपनियों को कमर्शलाइज किया, 14 कंपनियों को। और ऐसे ही जो भी हमारी वैरायटी जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, वो वैरायटीज को भी हम कंपनीज को कमर्शलाइज करते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कुछ ही फार्म है हमारे पास, हमारे पास क्षेत्र तो ज़्यादा है नहीं, अपने रिसर्च फार्म पर ही सीड का प्रोडक्शन कर सकते हैं,
लेकिन चूंकि बीज की मांग ज़्यादा है तो कंपनी से समझौता करके उनको हम कमर्शलाइज करते हैं। फार्मर्स की भी कंपनी बहुत सारी हैं इसमें, जो कि सीड्स को यहाँ पे ले जाते हैं और बहुत नॉमिनल रेट्स पे, किसी को लाइसेंस 1 लाख रुपए का होगा, किसी को 50,000 रुपए का होगा। उद्देश्य ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाए, और वो इन नेटवर्क्स का हमें फ़ायदा मिला है और हम लोगों के पास पहुँचने में सफल हुए हैं। तो गोल्ड मेडल जो हमने बताया कि बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड जो 2 छात्रों को मिला है, एक मिस ज्योति निषाद हैं जो कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में इनको PhD के लिए मिला हुआ है, और MSc के लिए मिस्टर विश्वरंजन बेहरा एग्रोनॉमी डिवीजन के हैं, इनको MSc के लेवल पर बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला है। ऐसे IRI मेरिट मेडल्स की बात है, IRI मेरिट मेडल में आप देखेंगे कि 5 छात्रों को PhD का गोल्ड मेडल अवार्ड मिला है और मास्टर ऑफ साइंस में 5 छात्रों को मिला है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो बेस्ट स्टूडेंट हैं कंट्री के, वो यहाँ कम्पीट करते हैं, अपना एडमिशन लेते हैं, यहाँ से डिग्री पाते हैं और जीवन भर इस संस्थान के ऋणी रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं बार बार इसको याद करते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि ये संस्थान केवल अपने देश में नहीं, विदेशों में भी जो शिक्षा का विस्तार है उसको करने का प्रयास कर रहा है। और जो अफ़गानिस्तान की यूनिवर्सिटी है, अफगानिस्तान नेशनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसको इस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी IRI को दी गई भारत सरकार के द्वारा। वहाँ हमने यूनिवर्सिटी को स्थापित करने में मदद की है, हमारे वैज्ञानिक वहाँ बार बार जाते हैं और वहाँ के छात्र अभी आकर के अपनी शिक्षा यहाँ पर हमारे कैंपस में ले रहे हैं। छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं लेकिन रिसर्च के कार्यक्रम के लिए अपने वहाँ जाते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ टीचर्स अभी उतने ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट में उनकी शिक्षा होती है, डॉक्टर वी के सिंह यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हेड ऑफ़ द डिवीज़न है, कोई सवाल आपका होगा तो ज़्यादा विस्तृत बता सकते हैं। ऐसे एक एकेयर है, एडवांस सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, जो IRI ने म्यांमार में स्थापित किया है, और म्यांमार में हमारे फैकल्टी के लोग जाकर के 4 विभागों में, जिसमें एक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी है, एक एक्सटेंशन एजुकेशन भी है, नॉलेज मैनेजमेंट भी है, तो ये जाकर के वहाँ पर शिक्षा देते हैं। फैकल्टी हमारे यहाँ से जाती है, वहाँ रहती है, उस शिक्षा देती है। बिल्डिंग बनाने भी हमने वहाँ मदद की है, और बेस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स जो वर्ल्ड में हो सकते हैं वो हम वहाँ पर ले आकर के रखे हैं। दिसंबर के महीने में माननीय राष्ट्रपति जी गए थे, मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला, और जो भी इस्टेब्लिशमेंट हमने उसको बनाया है उसे माननीय राष्ट्रपति जी ने पीपल्स ऑफ म्यांमार को समर्पित किया, डेडिकेट किया उस फैसिलिटी को। तो ये अहमियत IRI की है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल अपने देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी हमने आगे बढ़ कर के प्रयास किए हैं और आगे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं।